आज हम जो है कुस्तुनदुनिया इस्तांबुल के अंदर जो तीन तीन जो है वो दीवारों को पार करके जो है फिर वो किले के अंदर जाया जा सकता था। और ये सारा जो है ये पूरा इनका कदीम शहर है। फिर उसके बाद खंदक है, तो खंदक के बाद जो है फिर खंदक। आज हम जो है कुस्तुनदुनिया इस्तांबुल के अंदर जो कुस्तुनदुनिया इसका पुराना कदीम नाम था, तो उसमें जो किला है ये कुस्तुनदुनिया का जो किला कहलाता था वो देखने के लिए आए हैं। तो ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी मतलब अच्छे खासे एरिया पर फैला हुआ है, तकरीबन 10-15 किलोमीटर के ऊपर। तो ज़ाहिर है ये क्योंकि बहुत कदीम ज़माने का है तो उस तरीके से तो नहीं बचा हुआ, बीच बीच में इनके घर बने हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये इनके घर बने हुए हैं पुराने। पूरा एक शहर जो है पुराना शहर जो है वो इनका आबाद है, और ये फिर उसकी जो है वो दीवारें हैं, कहीं कहीं बीच में वो सड़कें भी आ गई हैं। तो ये एक अच्छा खासा लंबा जो है वो चल रहा है। तो अभी ऊपर चढ़ के जो है वो देखते हैं, हम सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ये किला बना हुआ था। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के ज़माने में जो है इसको उन्होंने इस किले को जो है कुस्तुनदुनिया को जो है फतह किया था। तो अब तक जो है ये इसके थोड़े बहुत जो है वो बाकियात बाकी हैं यहाँ पे अच्छे खासे। देखें ये हम ये ऊपर आ गए हैं, और ये अब आप ऊपर से अगर देखें तो इसकी दीवार जो है दूर तक जा रहे हैं। और ये सारा जो है ये पूरा इनका कदीम शहर है। और उस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको दीवार जो है वो नज़र आ रही होगी। 3-4 मीटर और ये दीवार देखें आप कितनी मोटी। फिर उसके बाद खंदक है, तो खंदक के बाद जो है फिर खंदक फसील के बाद जाकर ये यहाँ पे मोर्चे, ये मोर्चे बनेंगे ऊपर है, ये मोर्चे हैं यहाँ बीच में पानी वानी छोड़ते थे पुराने ज़माने में। हर किले में आपको ये मिलेगा। मैं लबनान गया हूँ वहाँ के, उसके पिपली पिपली का किला भी ऐसे ही बिल्कुल बीच में अंदर होती है। किस तरीके से जो है ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। ये यहाँ जो है वो तीर कमान लेके खड़े होते हैं। हिफाजत के लिए हर थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो इस तरीके से मोर्चे बने हुए हैं। ये देखें किस तरीके से जो है ये तीन तीन जो है वो दीवारों को पार करके जो है फिर वो किले के अंदर जाया जा सकता था। तीन दीवारें पार करने के बाद जो है फिर बंदा अंदर आ सकता था। तो ये बहुत बहुत मुश्किल था इस किले को फतह करना, कुस्तुनदुनिया का जो किला था। तो इसको सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के ज़माने में जो है इसको फतह किया गया है। और साथ ही जो है ये समंदर भी है इस किले के। ये जो है इनका पूरा कदीम शहर है, बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है। दीवारें देखें आप कि कितनी मोटी मोटी जो है वो दीवारें बनाई हुई हैं।